أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अभी हम करेंगे ग्रेड 8 क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 की 6.4 फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूनिट 6 6.4 से हम स्टार्ट लेते हैं पहले क्वेश्चन से इसमें हमने करना है फैक्टराइज फैक्टराइज करने के लिए हम सीखते हैं x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इसको हमने करना है फैक्टराइज हमें सीखते हैं कि हमें इसको कैसे करना है फैक्टराइज फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें अगर ये टर्म्स होती हैं प्लस से पहले ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है इस प्लस से पहले ये 14x एक टर्म है ठीक है और ये 49 भी एक टर्म है ये तीन टर्म्स है ठीक है इन तीन टर्म्स में सबसे पहले हमें देखना है कोई सी अगर दो टर्म्स जो हैं वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जैसे ये 49 है इसको हम 7 का मुरब्बा 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है 49 क्या है 7 × 7 7 × 7 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है तो ये एक्चुअली क्या हो गया 49 जो ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है इस तरह से 36 जो है ये होता है 6 × 6 इसको हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर यानी ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो इन तीन में से अगर कोई दो टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ठीक है a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है ये पहली टर्म होती है और ये दूसरी टर्म होती है दो टर्म्स हैं उनके दरमियान प्लस है और सब का स्क्वायर ठीक तो इसको जब स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं ये है पहली टर्म का स्क्वायर फिर ये दूसरी टर्म का स्क्वायर फिर प्लस टू फिर पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी चूंकि प्लस प्लस है आप इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वैसे भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं ठीक है तो हमें इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है या ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बन सकता है ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ये जो फार्मूला है इसमें ए जो है एक टर्म है पहली टर्म है और बी जो है दूसरी टर्म है और दोनों के दरमियान माइनस है ठीक है दोनों टर्म जो है माइनस से सेपरेट हो रही हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है हम ए का स्क्वायर लेते हैं फिर उसके बाद हम करते हैं ये बी का स्क्वायर लेना है प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू फिर पहली टर्म और दूसरी टर्म ए इंटू बी ये होता है एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है तो ये फार्मूला जो है ये वाला है इसका जब ओपन करेंगे तो इसका ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दोनों फार्मूलों को जब ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम आ रहा है एक में प्लस टू ए बी आ रहा है एक में माइनस टू ए बी आ रहा है तो ये आपने फार्मूले याद रखते हैं ठीक है अब हम ये देखते हैं कि ये जो टर्म है पहले हम इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे ठीक है ये जो टर्म है ना एक्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है एक्स का जैसे मैं आपको ये बताया ना कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ठीक है 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है एक्स स्क्वायर होता क्या एक्चुअली एक्स स्क्वायर एक्चुअली होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स जैसे ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है ये जो है ये पहली टर्म हो गई ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक्स का अब ये वाली हम देखते हैं एंड वाली 49 जो है ना ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है तो हमें ये लग रहा है कि ये जैसे ये ए स्क्वायर ये वाला ना पहली टर्म का स्क्वायर ये पहली टर्म का स्क्वायर प्लस ये दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू जो कि प्लस प्लस है इसलिए प्लस यहाँ पर लगाएंगे ठीक है प्लस टू ए ए क्या है पहली टर्म ए का मतलब क्या है
पहली टर्म। तो हमने जैसे ये ए इंटू बी करते हैं, इस तरह से हमने जो पहली टर्म है वो क्या है एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए इंटू बी, बी क्या था दूसरी टर्म, दूसरी टर्म क्या है, ये पहली टर्म है और दूसरी टर्म ये है, ये अगर ए है तो ये हमारा बी है। क्यों? क्योंकि ए और बी वो होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये देखें, ये ए का परफेक्ट स्क्वायर, बी का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ए और बी वो होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ए है, और ये सेवन का परफेक्ट स्क्वायर है तो सेवन जो है वो बी है, ठीक है। प्लस टू इंटू ए क्या है एक्स इंटू बी, बी क्या है सेवन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वही बनता है 14, टू इंटू ए इंटू बी, यानी टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, सही है। ये थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल हो, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो है ये इस तरह से बन सकता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, क्या ये इस तरह से बन सकता है, ठीक है। अगर ये इस तरह से बन सकता है तो फिर इस सारे की बजाय हम ये लिख देंगे, ठीक है। यानी अगर हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर हो और फिर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर हो और फिर जमा दो भी हो और पहली टर्म भी हो जरा दूसरी टर्म भी हो, ठीक है, तो फिर हम उसकी जगह पे ये लिख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें भी ऐसे है, हमने ये देखा कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, ये जो है सेवन का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ए क्या है ये एक्स और बी क्या है सेवन, तो ये क्या बनता है टू इंटू सेवन 14x ही बनता है, ये वाला ही बन रहा है, ये सारा जो है ये क्या बन रहा है 14x बन रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है a का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सारे की जगह हम ये लिख देंगे पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। पहली टर्म क्या है x है, दूसरी टर्म क्या है सेवन, दरमियान में प्लस लगाएंगे और सारे का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा जवाब, ठीक है। तो इसके हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, उससे जरा थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन जो ही हम करेंगे दो तीन क्वेश्चन तो आपको ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वह है 9a² प्लस 12ab प्लस 4b², ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि तरीका क्या है, इसमें हम ये देखना है हमने कि क्या ये इस तरह से बन सकता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, क्या इस तरह से ये बन रहा है। अगर इस तरह से बनेगा तो फिर हम उसको इस तरह से लिख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं, ये जो ना 9a², ये 9 होता है 3 × 3, ठीक है, ये 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है ना ये ए का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम 3a² लिख सकते हैं, यानी ये जो है 3a का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। प्लस ये देखें 4 जो होता है 2 × 2 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और बी जो है बी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसके जगह में हम 2b² लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली टर्म है, ठीक है, ये हमारी दूसरी टर्म है, ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर फार्मूला क्या कहता है कि प्लस टू लगा दें, हमने प्लस टू लगा दिया, फार्मूला कहता है कि पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, पहली टर्म क्या हमारे पास 3a, फिर फार्मूला क्या कहता है मल्टीप्लाई कर दें दूसरी टर्म को, दूसरी टर्म कौन सी है 2b, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जब हमने वो 2 × a × b अप्लाई किया तो इसको जब जरा देते हैं 2 × 3 = 6 × 2 = 12, ये देखें 2 × 3 6 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया, और a जो है मल्टीप्लाई होगा b से, ये बनता है 12ab। तो यही रकम सेम टर्म बन रही है,
अगर बन रही है इसका मतलब यह है कि ये जो है सारा फार्मूला बन गया, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ये सारा जो है ये क्या बन गया है, ये फार्मूला बन गया है। पहली टर्म का स्क्वायर ये आ गया, दूसरी टर्म का स्क्वायर ये आ गया, और जब हमने प्लस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म किया तो वो ये बन गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी सारे की बजाय जैसे हम ये लिख देते हैं ना पहली टर्म जमा दूसरी टर्म सबका स्क्वायर, इसमें भी ऐसे करेंगे, पहली टर्म कौन सी है जमा दूसरी टर्म कौन सी है, तो इस सब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है जवाब, ये हमारा आंसर है। तो जिस तरह से हमने पहला सवाल किया था उसी तरह से हमने ये दूसरा सवाल जो है वो आपको सिखा दिया। ये आई थिंक जो ना इसकी थोड़ी सी डिम है इसकी इंक, तो हम इसको दोबारा से आप कर देते हैं। ये है 9a² क्या था, ये 3a का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4b² क्या है, 2b का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। फिर क्या है, जब इधर भी जमा है, जब ये ए बी के साथ जब जमा होता है ना, जब ए बी के साथ जमा होता है तो यहाँ पर भी हम जमा लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर क्या है, टू फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, ये 3a है, देन मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म कौन सी है, 2b है। ठीक है, हमने ये देखा कि जब हमने ये फार्मूले का 2 इंटू ए इंटू बी लगाया तो क्या बन गया, 2 3 6 6 2 12, और a इंटू बी ए बी 12ab, तो यही बन गया। इट मीन्स ये जो है ना ये सारा हमारे पास इसको जो जाहिर कर रहा है वो सेम है, पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। तो हम क्या करेंगे, इस सारे की जगह पे जैसे हम करते हैं ना पहली टर्म जमा दूसरी टर्म सबका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म 2b है और फिर सबका स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, ये हमारा हो गया जवाब। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें दो ही पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि आपको ये दो फार्मूले आने चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ आपको ये अप्लाई करना है, ए स्क्वायर के ऊपर जो रकम लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, दो टर्म्स ये देखिए, ये a का परफेक्ट स्क्वायर बी का परफेक्ट स्क्वायर, फिर आप टू लगाएंगे, फिर पहली टर्म मल्टीप्लाई बट दूसरी टर्म करेंगे, देखेंगे कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो मैच कर रहा हो सब कुछ तो फिर हम इस सारे की जगह पे या तो ये लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, या अगर वो माइनस वाला होगा तो हम उस इस सारे की जगह पे ये लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है। अभी हम करेंगे तीसरा सवाल, 16 + 24a + 9a² इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज से बना दिया है, सबसे पहले जो a की सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिख लेते हैं, a की सबसे बड़ी पावर ये है, इसको हम इस तरह से री राइट कर लेते हैं 9a², फिर उससे छोटी पावर a है 24a, और जो एंड में बिल्कुल a के बगैर है वो लिख लेते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3a का, और हमें ये नज़र आ रहा है ये 16 जो है ना ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो दरमियान में है इसके से पहले प्लस है, जब इससे पहले प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर जमा आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 ये वाला फॉर्मूले वाला पहली टर्म इंटू मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, ये पहली टर्म 3 है। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या 4। अब हम ये देखते हैं, जब हमने फार्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर एक पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर आ गया ये वाला, ये दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकंड टर्म हमने किया तो 2 3 6 6 4 24, ये 24 ही बन रहा है इंटू ए, तो यही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है इस सारे को हमने चेक किया, इस सारे को ये क्या था,
ये सारा जो है एक टर्म का परफेक्ट स्क्वायर था, फिर दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर था, और प्लस टू इंटू ए इंटू बी था ये वाला, ठीक है। फिर हमने सोचा कि जब हमने इतना लंबा लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, क्यों ना हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं। तो वो क्या होता है, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म और सबका स्क्वायर। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहली टर्म थ्री ए है, दूसरी टर्म फोर है प्लस फोर और सबका स्क्वायर, और ये होगा हमारा जवाब, ठीक है। इस तरह से पहले तीन सवाल जो हैं वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कर रहे हैं सॉल्व। चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसको हम जल्दी से करेंगे। ये है 25x² प्लस 80xy प्लस 64y². हमने पहले जो सीखे हैं तीन सवाल, उससे चौथा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है 5x का, ये हमें पता है ये है 8y का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है। फिर हम चेक करेंगे प्लस टू फार्मूले का, ए जो है पहली टर्म होती है 5x, बी जो है दूसरी टर्म होती है 8y। जब हमने ये किया ए इंटू बी टू इंटू ए बी, तो हमने ये देखा कि 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 10 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 80, तो यही आ रहा है। x मल्टीप्लाई होगा वाई से तो एक्स वाई, तो यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, जब हमने इसको देखा कि इसको चेंज किया पहली टर्म के स्क्वायर में दूसरी टर्म के स्क्वायर में प्लस 2 इंटू ए बी अप्लाई किया, हमने देखा कि ये तो ये बन रहा है पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू पहले दूसरी टर्म, ये चीज़ बन रही है। तो फिर हमने सोचा कि जो इतना बड़ा जो फार्मूला था इसको हमने ऐसे भी कर सकते थे, पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म, सॉरी पहली टर्म जमा दूसरी टर्म सबका स्क्वायर। इसमें भी हम ऐसे करते हैं, पहली टर्म क्या है 5x, दूसरी क्या है 8y, इस सबका स्क्वायर, इस तरह से इसको हम शॉर्ट लिख लेते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये है हमारा जवाब सवाल नंबर 4 का। अभी हम करेंगे सवाल नंबर 5, वो भी ऐसे ही है, इसी फार्मूले के मुताबिक है। तो वो उसको अटेम्प्ट करते हैं, 7a4 प्लस 84a² प्लस 252। इसमें हम देखते हैं कि जो है कौन कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, हमारे जेन ने ये बताया कि 7 जो है ये तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पहला असूल है फैक्टराइजेशन का, वो ये होता है कि जब भी कोई इक्वेशन लिखी होती है, एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो हम उसमें ये देखते हैं, सबसे पहला असूल क्या है कि देखते हैं हम क्या कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो हमने देखा कि शायद हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से 7 को कॉमन लें तो फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि सबको 7 पे तकसीम करना है, ठीक है। तो 7 जब कॉमन लेंगे इसमें से, तो ब्रैकेट लगा के सबको 7 पे तकसीम कर दें, 7a4 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो a4 हमारे पास रह जाएगा, 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 12 रह जाएगा, 252 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या की लिया कि हमने हमें ये दिखा हमने क्यों की ये स्टेप लिया, इसलिए लिया कि हमें ये नज़र आया कि 7 जो है ये किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 होता तो हमने कहना था कि 2a² का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इधर 9 होता, इधर 16 होता, इधर 25 होता, तो वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 7 जो है वो नहीं होता। तो फिर हमने सोचा तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, फिर हमने क्या किया, हमने इस सब में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब यह है कि जब 7 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा के सारी एक्सप्रेशन को 7 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब 7 ऐसे साथ चलेगा, ये हिस्सा बनेगा जवाब का। अब अंदर जो है हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये होता है a² का परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये पहली टर्म a² है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, चूंकि ये दूसरी टर्म 6 है, चूंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। फिर क्या है, ये हमारे पास हो गया पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, ये पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर ये भी आ गया। फिर 2ab लगा के चेक करेंगे कि क्या ये बनता है, अगर ये बनता है तो
तो फिर हम उसको इस फार्मूले के मुताबिक लिख देंगे, प्लस टू इंटू ए क्या है पहले टर्म, पहले टर्म क्या है ए स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है सिक्स, ठीक है। हमने ये देखा टू को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व बन गया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर बन गया, तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व ए स्क्वायर ये बन रहा है। तो हमने कहा कि ये जो सारा है ना ये हमारे पास सब चीज़ आ गई है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। तो हम इन सब को इस सूरत में लिख देंगे कि पहली टर्म क्या है ए स्क्वायर जमा दूसरी टर्म क्या है सिक्स और फिर इस सब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा जवाब है, साथ जो है ना ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें बस हमारे पास एक स्टेप ऐड हो गया कि हमने शुरू में सेवन कॉमन लिया, उसके बाद जिस तरह से हमने पहले चार क्वेश्चन किए थे पांचवा क्वेश्चन भी हमने बाकी जो है ना उसी तरह से किया, ठीक है। तो अभी हम करेंगे छठा सवाल, फोर ए स्क्वायर प्लस 120 ए प्लस 900, इसको भी हम जल्दी से करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। हम देखते हैं कि फोर पे अगर डिवाइड करें हम सबको फोर कॉमन ले लें, इस सारे को फोर पे डिवाइड करते हैं, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, इसको 120 को फोर पे करेंगे ये 30 आ गया, इसको फोर पे करेंगे नाइन है, फोर टू ज़ार एट टेन, फोर टू ज़ार एट ट्वेंटी, फोर फाइव ज़ार, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस 30 ए प्लस 225, फोर जो है एक हिस्सा बनेगा आंसर का। इसको हम देखते हैं ये ए का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 225, ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये जो है ना ये हो गया और ये हो गया, यानी हमारे पास ये और ये आ गए हैं। फिर हम फार्मूले का 2a भी लगाएंगे तो चेक करेंगे क्या ये बनता है, अगर ये बनता है तो फिर हम इसको फार्मूला बना देंगे, प्लस 2 इंटू ए क्या पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म क्या 15, जब हम देखते हैं 215 से मल्टीप्लाई हुआ 30a यही बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे इस सारे को a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है पहली टर्म, b क्या है दूसरी टर्म और होल स्क्वायर, इस तरह से 4 इंटू ए प्लस 15 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया जवाब, ठीक है। ये छठा जो है ये पांचवें से मिलता जुलता था, सेम सेम था। अब हम देखते हैं कि सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो है ये आ गया है माइनस वाला सीन आ गया, माइनस वाला फार्मूला, यानी आप इसकी तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने देखना है कि कौन सी दो टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये x का परफेक्ट स्क्वायर है प्लस ये जो होगा ये होगा 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो ये जो है ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमने देखा कि ये टर्म जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अब हम क्या करेंगे माइनस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म करके देखेंगे कि अगर हम माइनस टू लगा के फार्मूले का पहली टर्म क्या है एक्स, दूसरी टर्म क्या है 17, ठीक है। तो माइनस टू इंटू ए भी किया तो 2 इंटू 17 34 होता है इंटू एक्स, तो यही आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये असल में क्या था, पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ये इस तरह से था। तो हमने सोचा कि हमने इतना जो लंबा है इसके जगह पे हम ये लिख देते हैं पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, तो पहली टर्म क्या है एक्स है माइनस दूसरी टर्म क्या है 17 है और इसका स्क्वायर, तो ये इसका होगा आंसर। तो ये था सेवंथ क्वेश्चन जो कि था ए माइनस बी होल स्क्वायर के पैटर्न पे, इसको हमने सॉल्व किया है। अभी हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन, ये भी उसी पैटर्न पे है जो सेवंथ वाला है, 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36,
इसे हम देखते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि ये 7x का होल स्क्वायर है, ये प्लस 6 का होल स्क्वायर है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2, पहली टर्म क्या 7x, दूसरी टर्म क्या 6, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू 6 84 ही बन रहा है, इंटू एक्स यही चीज़ बन रही है। तो हमने ये देखा कि ये एक्सप्रेशन है, ये असल में क्या था, ये पहली टर्म का स्क्वायर था जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर था माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये इस तरह से था। हम क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी पहली टर्म वो क्या है और दूसरी टर्म क्या है, ये प्लस प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस वाला, इसमें माइनस आएगा 7x माइनस दूसरी टर्म क्या है 6 होल स्क्वायर, ये इसका आ गया जवाब, ठीक है। अभी हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वायर, ये भी इजी है, ये x का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9y का परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू पहली टर्म क्या है x, दूसरी टर्म क्या है 9y, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा 18, x इंटू वाई एक्स वाई यही बन रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या था, ये एक्सप्रेशन जो है ये एक टर्म का परफेक्ट स्क्वायर था, फिर प्लस दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर था, फिर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म था, ये वाली चीज़ थी। इसको हम ये लिख देंगे, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, पहली टर्म क्या ये माइनस दूसरी टर्म क्या 9y, इस होल इसका सबका स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस अगर आपको एक दो क्वेश्चन की समय लगे तो बाकी जो है आप सारे खुद कर सकेंगे। 10वां सवाल है a4 माइनस 26 a स्क्वायर प्लस 169, ये ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, ए फोर जो है ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस इधर आ रहा है 2 इंटू ए क्या है पहली टर्म, ए स्क्वायर पहली टर्म है, दूसरी टर्म कौन सी है 13 है, हमने देखा 13 2 से मल्टीप्लाई करेगा 26 आ जाएगा, साथ ए स्क्वायर है, यही चीज़ बन रही है, जब हमने 2 ए भी किया तो ये चीज़ बन रही है। इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन जो था ये था क्या, ये पहली टर्म का होल स्क्वायर था प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर था और माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म था, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई थी। इस सारी लंबी टर्म को हमने इस तरह से छोटा कर दिया था, इसको भी छोटा कर देंगे, पहली टर्म ये है माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सेकेंड टर्म 13 है, तो इस सारे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा जवाब, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिए 10 क्वेश्चन। अभी हम करेंगे 11th, 2a स्क्वायर माइनस 16 4a प्लस 512, याद रखें कि जो जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देख के ये देखना होगा, कुछ कॉमन लिख सकता है कि लग निकल सकता है कि नहीं, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला रूल ये होता है, हमें ये चेक करना होता है कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं, तो यहाँ पे कॉमन निकल सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम सब में 2 कॉमन लेंगे, 2 लगा के ब्रैकेट ओपन, इस सबको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 2 2 4 11 2 5 10 26, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 256। अब 2 ये पार्ट बन गया क्वेश्चन का, ये a पहली टर्म का स्क्वायर, ये हो परफेक्ट स्क्वायर है a का, ये 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 256, ये जो ना 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, अब हम करते हैं ये माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है पहली टर्म a है, b क्या है दूसरी टर्म 16, जब हमने ये देखा, हमने देखा 2ab हमने किया तो 2 6 16 32 और a, ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये सारी चीज़ ये पहली टर्म का होल स्क्वायर है प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म है। हम क्या करेंगे, इस सारे को जो है a माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे, a क्या है पहली टर्म माइनस b क्या है दूसरी टर्म, इस सारे का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू a माइनस 16 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आप वीडियोस को देखें, अगर समझ नहीं आया तो 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। 11 हमने कर दिया, नंबर 12 हम करते हैं, 1 माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी प्लस नाइन ए फोर बी फोर सी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम पहले ये वाला ए फोर वाला लिख सकते हैं, नाइन ए फोर बी फोर सी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर वाला लिख सकते हैं माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और एंड पे ये वन लिखेंगे, वन के लेफ्ट साइड में प्लस है इसलिए प्लस वन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, नाइन जो है थ्री का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ए फोर ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बी फोर बी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारा इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है पहली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये वन जो होता है ये वन का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा ये सारी जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये इसका परफेक्ट स्क्वायर प्लस इसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस पे टू ए भी करके देखा, टू ए कौन सा, ये पहली पहली क्या टर्म थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सेकेंड टर्म कौन सी है वन, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, टू थ्री जार सिक्स ए आ गया, ए स्क्वायर ए आ गया, बी स्क्वायर सी आ गया, सी ये आ गया, यानी ये भी जो है ये क्या है एक्चुअली टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है ये वाला। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, और माइनस टू इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, तो हम सारे को हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हमारे पास ये ए है माइनस बी क्या हमारे पास वन, तो इस सारे का होल स्क्वायर, ये हमारा है जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी हम 13 करेंगे, ये आप एक चीज़ याद रखें, जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे ये वेरी इजी एक्सरसाइज है, ओनली एक्सरसाइज आपको थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए या अटेंशन चाहिए, इसको दो तीन दफ़ा करें, एक्सरसाइज आपके हाथ में से उठ जाएगी तो ऐसे ऐसे ये इजी हो जाएगी, क्योंकि यही फार्मूले जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, एक तरह के क्वेश्चन है, आधी एक्सरसाइज एक तरह की है इस फार्मूले पर बेस कर रही है, आधी एक्सरसाइज जो है वो इस फार्मूले पर बेस कर रही है। ठीक है, अभी हम करते हैं नंबर 13, 4x4 प्लस 20x3yz प्लस 25x2y2z2, ये वेरी इजी है, ये जो है 2x2 का परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, क्यों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x 4 होता है। ठीक है, ये जो एंड वाला है ये 5xyz का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये टर्म जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, और ये टर्म जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये जमा आ रहा है, फिर हम 2ab, अब ये वाला प्लस वाला है, प्लस 2ab करके देखते हैं, प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म क्या ये आता है, प्लस 2 फर्स्ट टर्म क्या है 2x2, सेकंड टर्म क्या है 5xyz, 2 × 4 = 20 ये आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये yz, तो ये चीज़ जो है ना आ रही है 2ab के लिए, इसका मतलब ये है हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, प्लस 2 × a × b, ये इस ये वाला सारा ये है, तो हम इस सारे को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a है ये b है। ठीक है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 13। Now we should talk about number 14. 14 कहता है जी 9/16 x² plus xy plus 4/9 y². ठीक है, ये भी इजी है, ये 3 जो होता है, 9 जो होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 4 का होता है, और x² x का होता है, ये इस सारे का परफेक्ट स्क्वायर है, जो एंड वाला है ये 2/3 y का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये टर्म क्या है, ये क्या है, ये इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या है, ये इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये प्लस वाला है तो हम प्लस 2 × a करके देखते हैं, प्लस 2 × 1st term × 2nd term करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है, अगर ये आता है इसका मतलब ये है कि सारा एक्सप्रेशन था ये क्या था, ये बेसिकली था फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 × 1st term × 2nd term, तो फिर हम क्या करेंगे उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, देखते हैं प्लस 2 फर्स्ट टर्म क्या है 3/4 एक्स, सेकेंड टर्म क्या है 2/3 y। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 2 × 4 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया x × y, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो हम कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी क्या है 2/3 y होल स्क्वायर, तो ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया
सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम करेंगे नंबर 15। नंबर 15 इज 49/64 स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 64/49y स्क्वायर। ये बहुत आसान है। 49 होता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर, 64 होता है 8 का परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर होता है x का परफेक्ट स्क्वायर। इस सबको ऐसे कर लेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एंड पे हो जाएगा 8/7y, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक्चुअली ये जो क्या था, ये इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या था, ये इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, ये माइनस है, हमें 2 × a × b करना है, चेक करना है क्या हमारे पास ये आ रहा है। अगर ये आ जाए उसका मतलब है ये जो सारा एक्सप्रेशन ये क्या था, ये था पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। फिर हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर, यानी पहले टर्म माइनस दूसरी टर्म होल स्क्वायर माइनस 2। पहले टर्म क्या है 7/8 x, दूसरी टर्म क्या है 8/7 y। ये देखें 8 से कटता है, 7 से कटता है, ये 2 × x × y आता है, यही आ रहा है, ठीक है। हम कहेंगे ये एक्चुअली हमारे पास था 7/8x पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, ये हमारा है आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समय लग रही है, आप फॉलो कर रहे हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यह a² + b² × x² माइनस 2ac/bd xy प्लस c² y² / d² ये भी इजी है। ये हम देखते हैं कि a/b/x इस सब का होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे ये एक a का परफेक्ट स्क्वायर है, ये b का परफेक्ट स्क्वायर है, ये x का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सारे का स्क्वायर है। ये देखते हैं ये भी क्या होगा cy/d सब का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था ये बेसिकली क्या है, ये वाला इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्लस, ठीक है। जब पे माइनस आ रहा है, अब हम माइनस 2 × पहली टर्म करेंगे, पहली टर्म क्या है ये और दूसरी टर्म क्या है ये cy/d। ये हमने माइनस 2 भी किया, माइनस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, हम देख रहे हैं क्या ये हमारे पास आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो फिर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 a × c ये आ गया, और नीचे b × d ये आ गया, और x × y ये आ गया, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये है एक्चुअली पहली टर्म और माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, माइनस क्यों गया एक्चुअली यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है नंबर 16 का। अभी हम देखते हैं नंबर 17। 16x6 − 16x5 + 4x4। इसमें सबसे पहली चीज यह है कि हमारे पास कॉमन हमें लेना आना चाहिए, ठीक है। ये x6 है, x5 है, x4 है, तो जब सारे xx में है तो जो सबसे छोटी पावर होती है ना वो कॉमन लेती है, सबसे छोटी पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, x4 कॉमन ले लेंगे, एंड ये 16 ऐसे रहेगा। x6 को जब हम x4 पे डिवाइड करते हैं ना, हमारे पास x² रह जाता है, कैसे, x6/x4। इसमें क्या होता है, ये x6 है, x4 पर जाके x की पावर -4 बन जाता है। अब ये एक जैसे बेस है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ताकतें जमा जाती हैं, ये 6 − 4 हो जाएगा x की पावर 2। तो x6/x4 क्या होगा, यानी इसको हमने डिवाइड किया x4 पे, तो x² हमारे पास आ गया। इस तरह से x5 को जब हम x4 पे डिवाइड करेंगे, x5 को x4 पे डिवाइड करेंगे क्या होगा, x4 पर जाके x की पावर -4 हो जाएगा, और ये ताकतें जमा हो जाएंगी, तो x खाली x रह जाएगा। और जब इसको हम x4 पे डिवाइड करेंगे तो x4/x4 1 होता है, तो इधर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो जब हमने कॉमन लिया x4, तो हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास रह गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ये 4x का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 जो है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है,
माइनस टू इंटू ए क्या है पहली टर्म इंटू बी क्या है दूसरी टर्म, ये क्या था टू फोर एट टू सिक्सटीन यही बन रहा है इंटू एक्स यही बन रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्स फोर ऐसे ही रहेगा, इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को दो तीन दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सारी जो है एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। नंबर 18 ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ए फोर बी फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस सी फोर डी फोर वाई स्क्वायर। ये बहुत इजी है, ए फोर जो है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर का होता है परफेक्ट स्क्वायर, बी फोर होता है बी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सारे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एंड वाला है सी फोर होता है सी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, डी फोर होता है डी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, वाई स्क्वायर होता है वाई का परफेक्ट स्क्वायर, इस आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है ये इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो है इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये और ये मौजूद है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम करें माइनस टू पहली टर्म कर दें मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म क्या आता है हमारे पास माइनस टू ये आ गया ए स्क्वायर ये आ गया बी स्क्वायर ये आ गया सी स्क्वायर ये आ गया डी स्क्वायर ये आ गया एक्स इंटू वाई ये आ गया, यानी यही चीज़ हमारे पास बन रही है। ठीक है, मतलब ये है कि ये क्या था असल में, ये पहली टर्म का स्क्वायर था होल स्क्वायर, ये दूसरी टर्म का होल स्क्वायर था, और ये जो थी ये माइनस टू इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म इस सबका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह से हमने 6.4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली। इसको आप गौर से जो है वो प्रैक्टिस करें और बार बार करें।